हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, की एस्पेक्ट्स ऑफ आर्टिकल 370 वर्डिक्ट अनपैक। तो 370 वर्डिक्ट जो है, वर्डिक्ट मतलब आपका जो डिसीजन आया है 370 आर्टिकल के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बोला गया है गवर्नमेंट के डिसीजन को। चलिए देखते हैं क्या है इसमें। द सुप्रीम कोर्ट इन 5-0, मतलब 5 लोग और इधर 0 लोग, यूनैनिमस रूलिंग अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर्स एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन मंडे। तो मतलब 5 जज बैठे थे और पांचों ने बोल दिया कि भाई आपका डिसीजन सही है। सेंटर की जो अपरूलिंग थी, हटाया था 370 को सेंटर के, उसको इन्होंने सही बोल दिया। अ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 2 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर सीओ द कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर 272 एंड 273 ऑफ August 5 and August 6, 2019 respectively, by which the entire constitution of India was made applicable to Jammu Kashmir and all provision of Article 370 were declared inoperative. तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोल दिया गया कि आपका वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और इसमें उसका 370 को बोल दिया गया कि आपका नहीं चलेगा। दिस इज वॉट द कोर्ट सेड इन 4 key issues इन द चैलेंज टू द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे 4 इशू क्या थे, चलिए देखते हैं। पहला, द सॉवरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर। द पिटिशनर हैड आर्ग्यूड दैट जम्मू कश्मीर रिटेन्ड एन एलिमेंट ऑफ सॉवरिटी व्हेन इट जॉइंड द इंडियन यूनियन इन 1947। तो यहाँ पे पिटिशनर जो अगेंस्ट में थे, उन्होंने ये बोला कि सॉवरिटी जम्मू कश्मीर के पास पास उसके बाद भी थी जब उन्होंने इंडियन यूनियन को ज्वाइन किया था। दिस अरेंजमेंट दे आर्ग्यूड वॉज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रिलेशनशिप विच द अदर प्रिंसली स्टेट्स दैट मर्ज विद इंडिया। तो दूसरे स्टेट्स जो मर्ज हुए थे उसके रिस्पेक्ट में ये अलग था। द कोर्ट एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट टू एग्जामिन इफ इट रिटेन द एलिमेंट ऑफ सॉवरिटी विच वुड अलाउ आर्टिकल 370 टू ऑपरेट इन यूनिक सर्कमस्टांसेस। तो अगर ऐसा होता तो आर्टिकल 370 को अभी अलाउ कर दिया होता। तो देखते हैं इन्होंने क्या देखा। फर्स्ट, इट नोटेड आर्टिकल 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 रेफरेंस पार्ट 3 स्टेट्स एंड जम्मू कश्मीर वॉज लिस्टेड एज अ पार्ट 3 स्टेट बिफोर 2019 इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पार्ट 3 में 2019 से पहले से वो इंडियन स्टेट बोला जा रहा है। सेकेंड, सेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर डिक्लेयर दैट द जम्मू एंड कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो उसको बोला जा रहा है कि वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। द प्रोविजन रीड रिलेशनशिप ऑफ द स्टेट विद द यूनियन ऑफ इंडिया, द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर इज एंड शैल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। सेक्शन 147 ऑफ जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड एनी अमेंडमेंट टू सेक्शन 3। और सेक्शन 3 में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता सेक्शन 147 में। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट है, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है कि हम इंडिया के पार्ट है, तो तुम क्या बात कर रहे हो। तो वो इंडिया का पार्ट कैसे नहीं है, उसकी अपनी सॉवरिटी कहाँ पर है। द कोर्ट हेल्ड दैट दिस प्रोविजन कॉन्ट्रडिक्ट्स द आर्ग्यूमेंट दैट एन एग्रीमेंट ऑफ मर्जर वॉज नेसेसरी फॉर जम्मू कश्मीर टू सरेंडर इट्स सॉवरिटी। इट नोटेड दैट वेन युवराज करण सिंह इशूड द प्रोक्लेमेशन अडॉप्टिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन November 25, 1949, इट इफेक्टिवली हैड द इफेक्ट ऑफ अ मर्जर लाइक एनी अदर प्रिंसली स्टेट। तो जब युवराज करण सिंह ने साइन किया था प्रोक्लेमेशन कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसी समय दूसरा एक मर्जर की तरह ये मर्जर हो चुका है। द डिक्लेरेशन दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड नॉट ओनली सुपरसीड ऑल अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन द स्टेट विच वर इनकन्सिस्टेंट विथ इट बट ऑल्सो एब्रोगेट देम एंड देम अचीव वॉट वुड हैव बीन अटेन्ड बाय द एग्रीमेंट ऑफ मर्जर। तो ये डिक्लेरेशन के बाद ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको सुपरसीड कर दिया, उसने सुपरसीड कर दिया जम्मू कश्मीर को। एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड इन हिज ओपिनियन रिटन ऑल्सो फॉर जस्टिस बी आर गवई एंड सूर्यकांत। तो इन्होंने साफ बोल दिया कि ये जो मर्जर, इसको मर्जर ही माना जा रहा है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको ज़्यादा पावर है जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन से। जो भी चीज़ गलत लग रही है वो चीज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसको हटा देगा। हाउएवर जस्टिस एस के कॉल इन हीज कंकरिंग ओपिनियन हेल्ड दैट जम्मू कश्मीर रिटेन एन एलिमेंट ऑफ इंटरनल सॉवरिटी डिस्पाइट महाराजा हरी सिंह साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया। He cited the recognition of internal sovereignty in Article 370 when it recognized the Constituent Assembly of the state. However, this had no bearing on the final conclusion reached by Justice Kaul.
इन्होंने ये बोला कि जब महाराजा हरि सिंह ने ये साइन किया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इस समय थोड़ा सा इनके पास सॉवरिटी, इंटरनल सॉवरिटी था, पर उससे कोई डिसीजन के ऊपर अंतर नहीं है। दूसरा इशू इनका ये था, दूसरा सबसे बड़ा इशू, पहला कि क्या सही था क्या गलत था, दूसरा क्या 370 टेम्परेरी है और परमानेंट है। ये अब इनका दूसरा इशू कि जब टेम्परेरी है तो हटा दिया, और अगर परमानेंट है तो हटाया कैसे। अ रेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वर मेड बिफोर द कोर्ट ऑन द परमानेंस और लैक देयर ऑफ ऑफ आर्टिकल 370। द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट द प्रोविजन कुड नॉट बी एब्रोगेटेड सिंस इट हैड अटेन्ड परमानेंस। तो पिटिशनर ने बोला है कि ये तो परमानेंट है तो इसको कैसे हटा दिया इन्होंने। एंड एज द ओरिजिनल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर विट कैन नॉट बी टिंकर्ड विद। तो ये तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो बेसिक स्ट्रक्चर है, तो उसके साथ खेला नहीं जा सकता। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल आर्ग्यू डेट आर्टिकल 370 क्लॉज 3 प्रिस्क्राइब्स द रिकमेंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ द स्टेट विच हैज सीज टू एग्जिस्ट एज अ प्री रिक्विजिट टू एब्रोगेट आर्टिकल 370। इन्होंने बोला कि आर्टिकल 370 का जो थर्ड वाला क्लॉज है वो बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके स्टेट की होनी चाहिए, जो है नहीं। वो किस लिए होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? 370 को हटाने के लिए। तो वो तो है नहीं अब। इट्स एब्रोगेशन इज एसेंशियली इनफ्रुक्शस। तो मतलब ये तो गलत है। दिस मीन नो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन एग्जिस्टेड टू एब्रोगेट आर्टिकल 370 वंस जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज सीज टू एग्जिस्ट। तो मतलब 370 को अगर कुछ हटा सकता था तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर था। तो जब अब यही चीज़ नहीं है तो इसको कोई और तरीके से नहीं हटाया जा सकता। तो यहाँ पे ये बात हो रही है। द ओपिनियन ऑफ बोथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जस्टिस कॉल हेल्ड दैट आर्टिकल 370 वॉज ऑलवेज मेंट टू बी टेम्परेरी फीचर। तो इन्होंने बोला ये तो शुरू से ही टेम्परेरी होना था, ये कभी परमानेंट होना ही नहीं था। जस्टिस कॉल हेल्ड दैट सिंस आर्टिकल 370 इज मेंट टू बी टेम्परेरी अरेंजमेंट, इट कैनॉट बी सेड दैट द मैकेनिज्म अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3 केम टू एन एंड आफ्टर द स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिसॉल्व। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI सेड, कौन है ये, DY चंद्रचूड़ जी हमारे, सेड दैट देर वर टू एस्पेक्ट्स दैट शोड अ टेम्परेरी नेचर ऑफ आर्टिकल 370। तो इन्होंने बोला कि दो एस्पेक्ट बताते हैं कि ये टेम्परेरी है। पहला, इट वॉज इंटेंडेड एज एन इंटरिम अरेंजमेंट अंटिल द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट वॉज फॉर्म, सिंस इन द इंटरिम देर वॉज अ नीड ऑफ लीगल ब्रिज बिटवीन इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर। वंस जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड एंड इट वॉज अडॉप्टेड टू बी पार्ट ऑफ इंडिया, दिस अरेंजमेंट वुड नॉट हैव बीन नेसेसरी। तो बस इंटरिम अरेंजमेंट, बीच का अरेंजमेंट, जब तक कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ना बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, जब तक ये गैप नहीं फिल हो रहा है उसको आपका 370 बना हुआ है फिल कर रहा है। यहाँ पे असेंबली बन गई, इंडिया और जम्मू कश्मीर मिल गए, 370 को उसी टाइम हटा देना चाहिए था। सेकंड, सेकंड क्या कह रहे हैं देखिए, द प्रोविजन वॉज अडॉप्टेड बिकॉज द स्पेशल सर्कमस्टांस इन द स्टेट विच वॉज एक्सपेक्टिंग वॉर कंडीशन। तो स्टेट में वॉर कंडीशन हो रहा था इसलिए, अब तो वॉर नहीं हो रहा तो 370 क्यों रखे। तो आप देखिए थर्ड इशू क्या था इनका, ऑन लीगैलिटी ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 हटाना, जो हटा दिया है वो किसकी लीगैलिटी क्या है। द लीगल रूट फॉर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 वॉज टू फोल्ड। फर्स्ट, ऑन August 5, 2019 द देन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इशू ऑर्डर 272 विच अमेंडेड आर्टिकल 367 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 367 डील्स विद द इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द सीओ एडेड अ न्यू मीनिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर, मीन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द सीओ 273 वॉज प्रोमलगेटेड सीकिंग कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट विच हैज अज्यूम पावर ऑफ जम्मू कश्मीर लेजिस्लेचर। तो जम्मू का अब तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था, तो उसके बाद यहाँ पे इन्होंने किया कि देखो पहले 272 से, देखो 272 से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब प्रेसिडेंट रूल लगा दिया तो उसकी सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। उसके बाद 273 लगा दिया और पार्लियामेंट से पूछा क्या सही कर रहे हैं, पार्लियामेंट ने बोला हाँ सही कर रहे हैं, तो उन्होंने वो चीज कर दिया। तो मतलब यहाँ पे अभी पावर तो पार्लियामेंट के पास ही थी, तो गलत कैसे हो गया, ठीक है। व्हेन जस्टिस कॉल अपहेल्ड दिस प्रोसेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ इन हिज ओपिनियन सेड द सर्क्यूटस रूट ऑफ फर्स्ट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज नॉट नीडेड। असेंशियली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द स्टेट सीज टू एग्जिस्ट द प्रेसिडेंट कुड हैव
ऑलवेज यूनिलेटरली एब्रोगेटेड आर्टिकल 370। इन्होंने तो ये किया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे ये करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, तो आप तो डायरेक्ट 273 ऑर्डर लाके कर देते ना। क्योंकि पहली बात तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो है ही नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली नहीं है, वो हमारे इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है, आप हमारे हेड हो, तो उसको कोई चेंज करने वाला अगर कोई है तो वो आप डायरेक्ट चेंज कर देते, आपको इतना घूमने की जरूरत ही नहीं थी। वो तो कह रहे हैं और आसानी से करते, वो तो ये कह रहे हैं। चलो, द पावर ऑफ आर्टिकल 370 क्लॉज 3 डिड नॉट सीज टू एग्जिस्ट अपॉन द रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज डिजॉल्व, ओनली अ ट्रांजिशनल पावर रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 370 क्लॉज 3 विच एम्पावर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टू मेक इट्स रिकमेंडेशन सीज टू एग्जिस्ट। तो वो तो है ही नहीं। इट डिड नॉट अफेक्ट द पावर हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 3 रूलिंग स्टेटेड। तो इससे उसके प्रेसिडेंट्स के पावर के ऊपर कोई इसमें फर्क नहीं पड़ रहा है। तो प्रेसिडेंट आप इतना मेहनत क्योंकि आप डायरेक्ट कर देते हैं। फोर्थ इशू देखो, ऑन द एक्शन दैट वॉज टेकन अंडर प्रेसिडेंट्स रूल, द पिटिशनर हैड आर्ग्यूड दैट द यूनियन टुक इरिवोकेबल एक्शन विदाउट द स्टेट कंसेंट व्हेन इट वॉज अंडर प्रेसिडेंट्स रूल। हेयर द चैलेंज वॉज टू एक्सटेंड द पावर दैट कैन बी अप्रोप्रिएटेड व्हेन आर्टिकल 356 इज नॉट इन ऑपरेशन। बोथ सी जी आई एंड जस्टिस कॉल साइटेड द 1994 रूलिंग ऑफ एस आर बोमई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया दैट डिफाइन द कॉन्टोर ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल। द बोमई रूलिंग वॉज 9 जज बेंच वर्डिक्ट दैट इज बाइंडिंग ऑन स्मॉलर 5 जज बेंच। तो वो बोमई 9 केस था, अभी जो हुआ है वो 5 बेंच है, तो जो इनकी केस की रूलिंग है वो इनके ऊपर बाइंडिंग है। रिलाइंग ऑन बोमई रूलिंग द कोर्ट सेड दैट द स्टैंडर्ड टू डिसाइड द वैलिडिटी ऑफ प्रेसिडेंट्स एक्शन वॉज टू सी वेदर इट वॉज नॉट मेलाफाइड और पेल्पेबली इरेशनल और दैट इज एडवाइसेबिलिटी और एन नेसेसिटी ऑफ द एक्शन वॉज नॉट बोर्न इन माइंड ऑफ द प्रेसिडेंट। द कोर्ट ऑल्सो हेल्ड दैट द पिटिशनर एंड द यूनियन गवर्नमेंट मस्ट शो मेलाफाइड्स टू द कोर्ट। द रूलिंग रिजेक्टेड द आर्ग्यूमेंट दैट इरिवोकेबल एक्शन बींग टेकन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज अ प्रूफ ऑफ मेलाफाइड। तो इन्होंने बोला एक ऐसा एक्शन लिया गया जिसको हम लोग वापस से चेंज नहीं कर सकते, यू टर्न नहीं है, तो वो तो गलत है। तो इन्होंने बोला क्या यही ग्राउंड मेलाफाइड का है, तुम पहले मेरे को मेलाफाइड ग्राउंड्स बताओ तब मैं मानूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने सच बताया तो ये किया है कि पटिशनर लोगों को एक होता है मारना और एक होता है गंदे तरीके से मारना, उनकी हर चीज़ को इन्होंने गलत प्रूफ कर दी। बोला नहीं यार तुम लोग जो भी कह रहे हो गलत कह रहे हो। पहला आप देखो सॉवरिटी ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो इन्होंने बोला वो तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, उसी दिन ख़त्म हो गई थी, तो ख़त्म। चलो इसमें दो चीज़ बोला, देखो आर्टिकल 1 और यहाँ पे पार्ट 3, आर्टिकल 1 और पार्ट 3 ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पे आप देखो सेक्शन जस्ट अ सेकंड यहाँ पे आप देखो यहाँ पे लिखा है सेक्शन जो है आपका कि सेक्शन 3 है आपका सेक्शन 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 147, इसमें साफ बोला जा रहा है कि वो इंडिया का पार्ट है। तो जब इंडिया बोल रहा है वो हमारा पार्ट, आप बोल रहे हो आप हमारे पार्ट, तो इन लोग को क्या दिक्कत है। दूसरा इशू आ रहा है 370 टेम्परेरी है और परमानेंट है, तो इसको शुरू से बोल दिया गया कि भाई इसको परमानेंट होना ही नहीं था, ये तो शुरू से टेम्परेरी था। तो CGI ने केस भी बताया पहला क्योंकि वहाँ पर ये इंटरिम अरेंजमेंट था और दूसरा क्योंकि वॉर लाइक सिचुएशन था तो 370 था, तो ये तो हो गया। लीगैलिटी क्या है 370 को हटाने की, तो जैसे प्रेसिडेंट ने हटाया 2 ऑर्डर से, सुप्रीम कोर्ट तो कह रहे हैं वो जरूरत ही नहीं थी, जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, वो उनका वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ही नहीं, तो यहाँ पे आप ही हो प्रेसिडेंट, जो हो मालिक आप ही हो, आपको जो करना था आराम से आप कर देते, ये भी सही है। एक्शन टेकन अंडर प्रेसिडेंट रूल, तो क्या वो सही है, तो पिटिशनर कह रहा है कि ऐसा एक्शन लिया गया है जो चेंज नहीं कर सकते, तो ये मेलाफाइड है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये कोई ग्राउंड नहीं है, आप कोई मेरे को मेलाफाइड चीज़ दिखाओ। देखो गवर्नमेंट और पिटिशनर मस्ट शो मेलाफाइड टू द कोर्ट, कुछ दिखाओ जिससे हम माने, आप बस बोल दे रहे हो मेलाफाइड है हम कैसे मानेंगे। तो यही था, और SR बोमई केस को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, जो आपके 9 बेंच थे, 9 जज का बेंच था, इसको मेंशन किया इन्होंने। तो पूरा ये आर्टिकल हमारा
हो गया है कवर, और 370 हट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, और DY चंद्रचूड़ जी मेरे फेवरेट है, पर्सनली मेरे फेवरेट है। उनके डिसीजंस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पर्सनली एक पर्सनल अलाइनमेंट है उनके साथ मेरा, मैं सोचता हूँ कि ये होना चाहिए और वो कर देते हैं। तो थैंक यू सर, आपने इतना अच्छा काम किया है, एंड सुप्रीम कोर्ट की बात है तो सबको मान